बक्सर नगर के सिविल स्थित सरस्वती बालिका विद्या मंदिर के प्रांगण में रविवार की विभागीय समिति समन्वयन का कार्यक्रम आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भोजपुर व बक्सर जिले के चलने वाले विभिन्न सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के 200 अधिक से पदाधिकारी समिति के सदस्यों और पदाधिकारियों ने सहभागिता ली। कार्यक्रम का उद्घाटन भारतीय शिक्षा समिति बिहार के प्रदेश सचिव अमरनाथ प्रसाद, सह सचिव प्रकाश चंद जायसवाल, राष्ट्रीय संघ सेवक संघ के सह कार्यवाह राजेंद्र प्रसाद ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। अध्यक्षता रोहतास गोयल ने की। वहीं कार्यक्रम का संचालन परशुराम चतुर्वेदी ने की। विद्यालय के प्रधाना आचार्य मिथिलेश राय ने अतिथियों के स्वागत और परिचय किया। कार्यक्रम के विशेष प्रवेश पर भी ध्यान देते हुए विभागीय प्रमुख ब्रह्मदेव प्रसाद ने कहा कि विद्यालय के विकास के सहायता होते हैं। भारत की शिक्षा समिति बिहार के प्रदेश सचिव श्री प्रकाश ने कहा कि शिक्षा संस्कार की सत प्रक्रिया है, शिक्षा मनुष्य जीवन की परिष्कार एवं विकास की प्रक्रिया है। कहा कि विद्यालय के बच्चों बच्चियों के विकास के लिए विद्यालय आचार्य परिवार एवं समिति के सदस्यों के बीच संयुक्त रूप से प्रकाश डालना और आवश्यक है कि संगठित प्रयास से विद्यालय का चतुर्थी विकास होता है, नहीं तो संभव नहीं है। इसके दौरान समिति के सदस्यों ने बालक व बालिका के विद्या पर विस्तार से चर्चा की। वहीं इस अवसर पर विद्यालय के सचिव डॉक्टर रमेश राय, काली मोहन सिंह, विश्वनाथ बबन राय, दिनेश चंद पांडे, अनिल मिश्र, सुरेश मिश्र, राकेश राय, उपेंद्र पाठक, कृष्ण राय, विनोद उपाध्याय, भोला केसरी, राजेश कुमार आदि मौजूद रहे। आज इस विभाग स्तरीय समिति प्रावधान वर्ग में भोक्तृ विभाग में आए हुए सभी पदाधिकारीगण का इस सरस्वती विद्या मंदिर बालिकाखंड के माँ अहिल्याबाई सभागार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आज इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान है बाल्यकाल से स्वयं सेवक हैं, बहुत से दायित्वों को निर्वहन करते हुए आप भारतीय शिक्षा समिति के यशस्वी प्रदेश सचिव राय जी से आग्रह है कि मल्का सिंह आगत अतिथियों का परिचय कराने के लिए देखा जाता है। आयोजित है समिति प्रबोधन वर्ग का ये कार्यक्रम है। चूंकि विद्या भारती शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही है और बालकों के विकास की दृष्टि से प्रबंधन क्या भूमिका होती है, इस दृष्टि से आज का ये कार्यक्रम आयोजित है। विद्यालय विकास की दृष्टि से समिति, अभिभावक, बालक और आचार्य, ये चार कड़ी हैं। ये चारों कड़ी में जब संतुलन बनता है तो प्रधानाचार्य योजना अनुरूप बालकों का निर्माण करने में सक्रिय रहता है, आशानुरूप उपलब्धि भी होती है। भैया बहनों को हम निर्माण का कार्य जो करते हैं, ज्ञानार्जन तो सभी जगह प्राप्त होता है, लेकिन जो विद्या भारती की विद्यालयों में विशेषता है कि हम भैया बहनों में ज्ञानार्जन के साथ साथ बोध चतुष्ट यानी हमारे बच्चों में संस्कार पक्ष का जागरण, राष्ट्रभक्ति, समाज कल्याण की भावना, ये चार प्रकार के जो गुण होते हैं इन गुणों को भी हम बालकों में भरते हैं। इसके भरने के लिए कोई अलग से पाठ्यक्रम नहीं होता है, लेकिन जो आचार्य विषय वस्तु रखते हैं
कक्षा अध्यापन में जो ज्ञानात्मक प्रक्रिया में जो सारी संदर्भ आते हैं उस संदर्भ में जो उनके द्वारा उदाहरण प्रस्तुत होता है उससे राष्ट्र व्यक्ति समाज कल्याण सेवा की भावना बच्चों में आती है। इसके लिए कोई अलग से पाठ्यक्रम का नियोजन नहीं किया गया है, ये हमारे शिक्षक के व्यवहार के कारण बच्चों के आचरण में परिवर्तन होता है, बच्चे संस्कारयुक्त बनते हैं, टीचर इनके रोल मॉडल बनते हैं। तो एक आचार्य जब ये मानता है कि हमारा जो दायित्व तो है बालक का विकास करना, जब तक उसके अंदर ये दर्द नहीं होती है, जब तक उसके अंदर ये पीड़ा नहीं होती है कि हमारा बालक क्यों पीछे जा रहा है, क्यों उसमें कमी आ रही है, तो जब एक एक बालक के प्रति पूरे क्लास में आचार्य जब चिंता करेगा तब जाकर बालक सही दिशा में बढ़ेगा और राष्ट्र में जो युवा पीढ़ी बनेगी वो सही दिशा में जाएगी। आज जो युवा पीढ़ी का भटकाव हो रहा है तो इसमें शिक्षा क्षेत्र में जो सबसे आगे जो शिक्षित है उन्हीं के द्वारा ये सारे कुकर्म हो रहे हैं, सब कुछ जानते हैं। तो शिक्षा के साथ जो वास्तव में संस्कार मिलना चाहिए वो मिला नहीं है, जिसके चलते आज की युवा पीढ़ी में काफ़ी भटकाव भी है। तो विद्या भारती एक छोटा सा प्रयास अपने विद्यालयों के माध्यम से ये कर रही है और धीरे धीरे कार्य प्रभावी हो रहा है। जी परिचय अपना, मैं प्रकाश चंद जायसवाल, प्रदेश सह सचिव भारतीय शिक्षा समिति बिहार। कार्यकारिणी समिति के सदस्य और पदाधिकारी सपदनाचार्य इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। यह कार्यक्रम पूर्व नियोजित है और प्रतिवर्ष विद्या भारती के इंस्टीट्यूट में निर्धारित है और इस कार्यक्रम के तहत बालक के बहुमुखी विकास, चतुर्मुखी विकास को लेकर के योजनाएँ बनती हैं, चर्चाएँ होती है और अभिभावक समिति, आचार और प्रधानाचार और प्रांतीय समिति मिल करके बच्चों को विभिन्न प्रकार के विधाओं को बारे में जानकारी दी जाती है और इस प्रकार से संस्कार पक्ष जो नैतिक स्तर आज गिर रहा है समाज में युवा पीढ़ी के अंदर और बचपन से ही विद्या भारती के मंदिरों में यह पूरे भारत में संस्कार देने का काम किया जा रहा है। आज जो वर्तमान युवा पीढ़ी है, इस युवा पीढ़ी का जो स्तर गिरने का कारण है एकमात्र शिक्षा, नैतिक शिक्षा का अभाव विद्या भारती देने का काम करती है और यह बचपन से ही बच्चों के अंदर संस्कार की शिक्षा देती है। इसके लिए कोई निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं है बल्कि आचार के माध्यम से कक्षा में अध्ययन अध्यापन के द्वारा ही विभिन्न विषयों में यह देशभक्ति, सेवा भाव, समाज कल्याण एवं विभिन्न प्रकार के जो प्रदूषण हो रहे हैं, जल संरक्षण, ये सभी समायोजन करके और इस प्रकार की शिक्षा कक्षा में। इस स्कूल द्वारा बच्चों को क्या खास मुहैया किया जाता है? इसे विद्यालय के माध्यम से पूरे देश में जो अपने लगभग 30,000 विद्यालय चल रहे हैं, विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान के शिशु मंदिरों के माध्यम से संस्कार देने का काम कर रही है। बचपन से ही अपने पूर्वजों का सम्मान देना, माता पिता का सम्मान देना, अपने गुरुदेव का सम्मान देना, आचार व्यवहार सब विचार आगे बच्चों के अंदर समाज में रहने बोलने बैठने खेलने कूदने सारे, इसके अलावा भी विद्या भारती शारीरिक रूप में भी बच्चों को खेलकूद के माध्यम से भी अखिल भारतीय स्तर का आयोजन करती है। जो अपने शिशु मंदिर के भैया बहन बच्चे जो हैं अखिल भारतीय स्तर तक खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेते हैं और अपने देश का, समाज का, परिवार का, विद्यालय का नाम उच्च करते हैं। जी परिचय आपका। जी गिरीश कुमार द्विवेदी, मीडिया प्रभारी भोजपुरी विभाग, सरस्वती शिशु मंदिर बक्सर।